जी हाँ दोस्तों, आज आपके भाई की वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी किसी की वीडियो देखने की और ये मालूम करने की। ये आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों कि हम जैसे न्यू यूट्यूबर्स को यूट्यूब चांस देता है कि नहीं, हमारी वीडियो सर्च में लाता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको आज रियल सब पूरी तरीके से बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा और आप इसको पूरी तरीके से देखिए। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिसके पास 1000 सब्सक्राइबर हो, जिसके पास 5 सब्सक्राइबर हो, वो भी प्लीज़ ये वीडियो पूरे तरीके से देखिए, ध्यान से देखिए। जिसके पास ज़्यादा भी सब्सक्राइबर हो उनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम चालू होगा, उनकी वीडियो अगर सर्च में नहीं आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है, तो प्लीज़ वो भी वीडियो पूरी देखिए। और ज़्यादातर मेरे जो न्यू भाई है जो जिनके पास बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं है, थोड़े बहुत है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, वो पूरी देखिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप ही के चैनल आर टेक्निकल इंडियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए, और जो मेरे न्यू भाई फर्स्ट टाइम जो मेरे चैनल पे आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, मैं इसी तरीके से वीडियो लाता हूँ। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही हेल्पफुल है और यूज़फुल है दोस्तों, इसको पूरी तरीके से समझो और देखो। दोस्तों अगर समझ लो कोई न्यू यूट्यूबर्स है, उसके पास 5 या 10 सब्सक्राइबर है, या किसी के पास कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, 0 सब्सक्राइबर है, तो उसे भी यूट्यूब चांस देता है दोस्तों। कितने दिन के लिए देता है और कितने घंटों के लिए देता है ये मैं सब आपको बताऊंगा। अगर वो जब वीडियो अपनी जो वीडियो है वो पब्लिश करता है, अपलोड करता है, तो उसको लगता है कि मेरी वीडियो तक तो कोई पहुँचेगा नहीं, मेरे को मुझे यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता है और मेरी वीडियो को सर्च में नहीं लाता। ये सब बात गलत है दोस्तों, यूट्यूब हमें सपोर्ट करता है और हमारी वीडियो को भी सर्च में लाता है। सबसे पहले दोस्तों अगर जिस किसी के पास सब्सक्राइबर नहीं है, 5-10 ही है, तो भी ये ट्रिक को देखिए दोस्तों और ध्यान से देखिए। जैसे ही आप वीडियो पब्लिश करते हैं दोस्तों, उसके 2-3 मिनट के बाद दोस्तों अपने कोई भी अपने फ्रेंड का मोबाइल लीजिए या अपने फैमिली में किसी का मोबाइल होगा, आपने जो टाइटल दिया है इस वीडियो को, जो टैग लगाया है, आप उससे सर्च करके देखो, 101% दोस्तों आपको वो वीडियो सर्च के अंदर दिखाई देगी, और वो आपको एक नंबर पे तो नहीं, 2-3 नंबर पे ज़रूर दिखाई देगी दोस्तों। हमें यूट्यूब वो चांस देता है, लेकिन अगर उसमें व्यूज़ नहीं आया है, समझ लो अगर उसमें व्यूज़ नहीं है, फर्स्ट डे में उसमें 15 या 20 ही व्यूज़ है, तो वो हमें सिर्फ 12 घंटे का चांस देता है। अगर उसमें व्यूज़ 70 या 50 के ऊपर हो, तो वो समझ लो, हाँ 50 के ऊपर हो, तो वो हमें 48 घंटे का चांस देता है। अगर उसमें 50 से भी कम व्यूज़ हो, तो हमें सिर्फ 24 आवर्स का चांस देता है। तो दोस्तों हमें यह बात ध्यान रखना है। अगर दोस्तों आप कॉलेज से, आप कॉलेज पढ़ते हो, या तो फिर आप कोई कंपनी में हो, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आपके फ्रेंड सर्कल में 20 या 30 फ्रेंड है आपके, तो उस टाइम में कभी आप बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप कभी अपने दोस्त लोगों को बता दे कि ये वीडियो वो देखिए, देखो ध्यान से देखो, अगर समझ लो आपने जिस वक्त पब्लिश किया है उसी टाइम में आपके दोस्त लोगों ने आपको सपोर्ट कर दिया, 10-20 लोगों ने आपके एक साथ कभी दोस्तों वीडियो देख लिया, उस पर ट्रैफिक बहुत अच्छा आ जाएगा, और उसी टाइम में आपकी जो वीडियो है दोस्तों वो 24 आवर्स नहीं बोल के 48 आवर तक 1 या 2 या 3 नंबर पर रैंक करेगी, आपको मैं पूरी तरीके से बताता हूँ। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको मैं मेरी वीडियो दिखाता हूँ, मैंने मेरी वीडियो अपलोड किया, उसके बाद दोस्तों 21 आवर्स में, 21 आवर के अंदर उसमें 70 व्यूज़ आए। तो दोस्तों जब मैंने उसको सर्च किया, जब सर्च करने के बाद वो मुझे तीसरे नंबर पे दिखाई दी, जो मेरा टाइटल था मैंने उससे सर्च किया, उसके बाद जो मेरे टैग्स थे मैंने उससे सर्च किया, तो भी वो मुझे तीसरे नंबर पे नज़र आई। उसके बाद दोस्तों मैंने जो जो मेरे टैग्स थे उसमें मैंने सर्च करके देखा, तो मुझे तीसरे नंबर पे वो दिखी। उसके बाद एक डे पूरा चले गया, उसके बाद मैंने दोस्तों दूसरे दिन, मतलब एक डे पूरा जाने के बाद मैंने उसको सर्च किया, तो जब मेरे पास व्यूज़ उसमें 100 के आसपास कुछ तो भी थे, और जब मैंने उसको सर्च किया तो वो वीडियो मुझे 5वें नंबर पे शो हुई, और उसमें मेरे व्यूज़ भी शो हुए कि 88 व्यूज़ है, जबकि मैंने फर्स्ट डे में 21 आवर्स में जब सर्च किया था तो मुझे वहाँ 0 व्यूज़ दिखा रहे थे सर्चिंग में। तो दोस्तों हमें जब वो 0 व्यूज़ भी
रहे तो भी हमें वो सर्च में लेके आता है, यूट्यूब हमें हेल्प करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वो वीडियो मेरी वहाँ फिक्स हो गई है दोस्तों, मतलब उसमें मेरे मैंने सर्च किया है तो जब मुझे 88 व्यूज़ दिखा रहा है सर्च में और वो 5 नंबर पे चले गई है दोस्तों। अब वो लाइफ टाइम के लिए जैसे जैसे उसमें व्यूज़ बढ़ेंगे दोस्तों तो हो सकता है 7 नंबर पे भी आए, उसके बाद 3 नंबर पे भी आए और उसमें ज़्यादा व्यूज़ आने के बाद वो 1 नंबर पे रैंक करेंगी दोस्तों। तो हमें यूट्यूब इस तरह से सपोर्ट करता है, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए कि आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है तो यार क्या करें, हमें यूट्यूब चांस देता है दोस्तों। अगर उस चांस का हमें फ़ायदा उठाते आया तो आप ज़रूर उठाइए उससे फ़ायदा दोस्तों। ये मत सोचिए कि यार हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे को मिलेंगे व्यूज़ आएंगे दोस्तों, लेकिन उसके लिए मेहनत क्या करना है हमें किसी की कभी भी कॉपी नहीं करना है, ना टैग में कॉपी करना है, ना टाइटल में, हमारा खुद का कोई टाइटल, हमारा खुद का कुछ ये बनाओ दोस्तों, किसी की कॉपी मत करो। और हमारा सब क्लियर रहा, सबने बड़ी बात दोस्तों, थंबनेल पे बहुत ध्यान दो दोस्तों। अगर थंबनेल आपका सही नहीं रहा तो वीडियो रैंक नहीं करेंगी, टाइटल भी अच्छे से रखो। टैग के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, मेरे वीडियो में आप सर्च करो, आपको टैग भी मिल जाएगी दोस्तों, आप उस वेबसाइट से टैग्स भी ला के लगा सकते हैं दोस्तों। और 101% दोस्तों आपकी जो वीडियो है वो सर्च हर किसी को चांस देता है, यूट्यूब हर किसी को चांस देता है, जिसके पास सब्सक्राइबर नहीं है उसी को भी चांस देता है। मैं पहले से ये बात पे बहुत ध्यान देता हूँ दोस्तों, जब मेरे पास 1 सब्सक्राइबर था तब से मैं देखता हूँ, मैं जो वीडियो जब पब्लिश करता हूँ उसके बाद मैं सर्च करके देखता हूँ अपने दोस्तों के फ़ोन पे, तो मेरी वीडियो मेरे को 3-4 नंबर पे ही रैंक करते हुए दिखती है। उसके बाद दोस्तों अगर उसमें व्यूज़ आ गए, किसी ने सर्च कर लिया अपनी हमारी जो टॉपिक पे, अगर उसको सामने वाले बंदे को उस टॉपिक से कुछ काम है, अगर उसने वो सर्च कर लिया दोस्तों तो हमें हमारी वीडियो उसको मिल जाएगी। और अगर उस बंदे ने हमारी वीडियो, जितने भी बंदों ने हमारी वीडियो देख लिया दोस्तों, तो हमारी वीडियो ऑटोमेटिक उसमें व्यूज़ आना चालू होंगी और वो हमेशा के लिए सर्च में बनी रहेंगी। इसी तरह से दोस्तों हमारी एक दिन वो वीडियो वायरल हो जाती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वीडियो कैसी वायरल होती है, वो वीडियो दोस्तों इसी तरीके से ही वायरल होती है दोस्तों। 100% दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, लड़ते रहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बात का प्लीज़ ध्यान रखो कि आपको किसी की कॉपी नहीं करना, इस बात से बच के रहो दोस्तों, हमेशा ग्रीन सिग्नल में रहो, रेड में मत आओ दोस्तों। YouTube कभी भी डिलीट कर देता है अकाउंट दोस्तों, बहुत स्ट्रिक हो चुका है, फिर भी लोग समझ रहे नहीं है। मैं बहुत सारे मैंने वीडियो बना के रखी है, लोग देख रहे नहीं, उसको समझ रहे नहीं है, फिर भी वो आके कमेंट कर रहे हैं कि हमको सब्सक्राइब कर लो, मैंने आपको सब्सक्राइब कर लिया, आप भी करो। ये कमेंट मत करो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इससे आपका चैनल पे बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। आप अच्छे से कमेंट करो, जिस पे भी आप कमेंट करेंगे वो 101% आपके चैनल पे आएगा दोस्तों। बस दोस्तों इतना ही कहना था, आई होप कि दोस्तों आपको सब समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय।